दोस्तों, देसी दिल्ली चैनल पे आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज बनाने जा रही हूँ दो इंग्रेडिएंट से मोदक की रेसिपी, तो शुरू करते हैं ये रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक कप मूंगफली है जो पहले से रोस्ट किया हुआ है, आप इस तरह से छिलके को उतार दें। आप चाहे तो उसी समय इसे भून सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले इसे भून के तैयार की। अगर पहले से भून कर रखते मूंगफली तो उसमें ऑयल नहीं छोड़ती है मिक्सी में जब पीसते हैं तो, और पाउडर भी बहुत अच्छे से बन जाती है बारीक। अब इसे मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। मिक्सी के जार में पीस लेंगे, जो दरदरा नहीं चाहे तो आप बारीक भी पीस सकते हैं, चाहे हल्का सा सूजी की तरह भी रख सकते हैं। पैन में इसे डालेंगे। और थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे दोबारा से। दो से तीन मिनट के बाद 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालें। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो नारियल का बुरादा डालें। और 2 मिनट के लिए और चला लें, लेकिन गैस का फ्लेम लो रखें। के बाद आप कंडेंस मिल्क डालें जो 3/4 कप है। इसके जगह पे आप पिसा हुआ चीनी भी डाल सकते हैं। और लगातार चलाते रहें। गैस का फ्लेम लो रखें। 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहें, रुके नहीं। से 4 मिनट के बाद 1/2 छोटा चम्मच घी डालें और इसे चलाते रहें। ये भूनते भूनते ये कढ़ाई बिल्कुल घी छोड़ देगी, बिल्कुल इस तरह से हो जाएंगे। उसके बाद इसे आप गैस से उतार लें, थोड़ी देर ठंडा होने दें। उसके बाद 2 से 3 बूंद केवड़ा एसेंस डालें या फिर इलायची का पाउडर डालें और मिक्स कर लें। ये बनकर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। अगर आपके पास साँचा नहीं है तो आप हाथ से भी रोल करके बना सकते हैं मोदक को, या फिर आपके पास साँचा है तो इस तरह से मोल्ड में डाल के बना लें। जितना बनाने में ये रेसिपी इजी है, उतना खाने में भी टेस्टी है। भगवान को भोग लगाने के लिए बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। आप इस मोदक को बहुत दिन तक रख सकते हैं, जैसे आप इसको बिना फ्रिज के भी रख सकते हैं और चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखिए कितना प्यार से तैयार हो गया आपका ये मोदक, और बहुत जल्दी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, बेल बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।